अब मैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आ चुका हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो काइंडली वो अपना ये इंस्टॉल कर ले। ठीक है, नेटवर्क में जो अब तक हमने पढ़े हैं, जो कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं ज़रा वो रिवाइज करता चलूँ। सबसे पहले आपको एक नेटवर्क बनाना है। मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा सकूँ। ठीक है, मैंने दो पीसीज लिए क्योंकि मुझे एक पीसी से दूसरे पीसी तक इंफॉर्मेशन कैरी करना है। ठीक है, और दूसरा जाहिर सी बात है, मुझे एक नेटवर्क बनाना है तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि मेरे पास अब स्विचेस हैं। स्विचेस कौन से यूज़ करनी चाहिए, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। TT स्विचेस यूज़ कर दो, जो कि सर ने अभी तक यूज़ किए। खैर, मैंने तो बाकी सारे यूज़ किए, लेकिन आप लोग TT स्विचेस यूज़ कर लें। यहाँ पर आप PT स्विचेस को रख देंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, क्योंकि सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए आपको स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब राउटर, मैं पहले दो राउटर से, बल्कि एक राउटर तो इजी है, एक राउटर से मैं नहीं करूँगा, दो राउटर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ आपको राउटर पे आना है, यहाँ राउटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PT, ये देखें PT राउटर्स। आप यहाँ पर दो राउटर सिंपली ले लें, कितने दे रहे, दो राउटर्स दे रहे। यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर ले ली, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कनेक्शन बिल्ड करने में। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ दो तरीके होते हैं आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑटो पे क्लिक करते हो, ऑटो पे सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑटो को यूज़ करें, क्योंकि इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप ट्रिक याद कर लें तो आपके लिए बेहद इजी रहेगा। मैं वो ट्रिक भी आप लोगों को एक जस्ट मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है सेम वायर्स, एक होती है डिफरेंट वायर्स। जो सेम वायर्स होती है उसके लिए हम लोग, जो मतलब सेम डिवाइसेस होती हैं उसके लिए हम कौन सा क्रॉस ओवर केबल का इस्तेमाल करते हैं। क्या सेम के लिए हम क्रॉस ओवर केबल, मतलब ये दोनों सेम है, इनके बीच में हमेशा क्रॉस ओवर केबल लगेगा, और ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो नेटवर्किंग बहुत इजी इजी होगा। जाहिर सी बात है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ PC0 से, ये एक अलग डिवाइस है। मैं इथरनेट पोर्ट, इथरनेट फास्ट इथरनेट 0, क्योंकि इसका जो 0 है ना पोर्ट नंबर, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। हमेशा याद रखना यहाँ से नीचे नहीं आना, 0 1 से स्टार्ट करना, ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहे। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, देखें अपने आप कनेक्ट हुआ। मैं इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद एग्जाम में सर इसको ब्लॉक कर दें या बंद कर दें, आप लोगों के लिए दुश्वारी होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ। और दूसरी, अब दोनों फिर से ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं, तो डिफरेंट डिवाइसेज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल मैंने यहाँ से फिट किया, ये देखो पहले मैंने 1/0 पे फिट किया इसको, अब 1/1 पे मैं इसको फिट कर रहा हूँ। और राउटर के देखें सबसे ऊपर वाला इसका 0/0 पे आ जाए, फिट हो गया यहाँ से केबल। अब देखें ये दोनों सेम है, हमेशा याद रखना कि जल्दी नहीं करना, यहाँ से यहाँ चलो या यहाँ से यहाँ चलो, मर्जी तुम लोगों का एक कौन सा। अब देखें ये दोनों डिवाइसेस सेम है, ये दोनों मैंने इसको इथरनेट इथरनेट पे कनेक्ट किया, और अल्लाह आप लोगों को नेकी की, देखें 0 में इस पे कनेक्ट किया। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा तो आगे की जाने, ये देखें फिर से डिफरेंट आ गए। डिफरेंट के लिए हमें क्या, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करना है। स्ट्रेट थ्रू मैंने सिंपली इसको यहाँ पर कर दिया और 1/1 पे कर दिया, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और दोबारा मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया और सिंपल यहाँ से कनेक्ट किया, सिंपल हमने यहाँ पर इनको वो कर दिया। लेकिन चीज़ याद रखें, अगर आप लोगों को एक सही नेटवर्क का IP सीखना है तो जाहिर सी बात है ये एक छोटा नेटवर्क है, इसके IP मुझे आसानी से याद हो सकते हैं, लेकिन जब मेरा नेटवर्क बड़ा होगा तो वहाँ पर IP याद करने के लिए मुझे काफ़ी दुश्वारियाँ होंगी। तो वहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन है नोट का, आप इस नोट को यूज कर लें। नोट को क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इनको IP असाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ IP यहाँ लिख रहा हूँ अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि जब मैं स्टेटिक राउटिंग करूँ या इनको मैं IP असाइन करूँ, मुझे उस टाइम याद रहे, क्योंकि लिखने में ईजी रहे।
मैं सिर्फ एक को फुल लिखूंगा, बाकियों को फुल नहीं लिखूंगा। सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर एक आईपी को फुल लिखा जाए तो वो किस तरह लिखा जाता है। 192.168.1.2, ये एक आईपी मैंने असाइन कर दी है। इसको मैंने असाइन नहीं की, सिंपल मैंने यहाँ लिख ला। और हमेशा याद रखें, स्विचेस का कोई आईपी नहीं होता है। स्विचेस सिर्फ एक ब्रिज का काम करते हैं, जैसे कि आप अपने घर में एक प्लग डालते हो। सिंपल मैंने यहाँ पर प्लग डाला हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। यहाँ ऐसा कोई आईपी नहीं होता है। आईपी राउटर्स और पीसी के हमेशा होते हैं। ये इस सर वाले का अलग आईपी होगा, इस सर वाले का अलग आईपी होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको 1.1, हमेशा याद रखें ये आपका बाद में डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। फिलहाल आप लोगों को समझ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मैंने 1/1 रखा। 1/1 इसलिए रखा क्योंकि जो दरवाजा है वो हमेशा एक नंबर पे आता है। मैंने अपने कॉन्सेप्ट के लिए रखा है, फर्ज नहीं है कि आप लोग भी इसको 1/1 रखें। आप लोग इसको 1/1 रख सकते हो, इसको 1/2 रख सकते हैं, लेकिन 1/0 आप नहीं रख सकते हो। उसकी वजह यह है कि 1/0 आपके नेटवर्क का नाम है, वो आप नहीं रख सकते हो। जैसे कि ये मेरा अलग अलग, ये मेरा है, मैं बताऊंगा यहाँ पर कितने हमारे पास नेटवर्क है। मैंने यहाँ 2/1, 2/2, ठीक है, 3/1, देखो अपने आप लाइन में आ गया। अगर मैंने इसको सही तरीके से लिखा है ना, बाकी सारे अपने आप लाइन में आए। और यहाँ पर दोबारा मैं सेम इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पर लिखो, यहाँ क्या 3/2 है ना, इसको मैं 3 करता हूँ। सिंपल, यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी के ये चीज़ें शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ व्यू पे आ जाए, व्यू नहीं, हाँ ऑप्शंस पे आ जाए, प्रेफरेंस पे आ जाए। प्रेफरेंस पे इसको ऑलवेज शो ऑन द पोर्ट लेबल्स। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये गायब हो जाएंगे सारे। वैसे इस तरह होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पोर्ट्स के नाम याद नहीं है या याद नहीं आ रहे, क्योंकि आगे जाकर पोर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, आप लोगों को पोर्ट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सारे पोर्ट्स के नाम नए, ये मतलब ये तार FA0/0 पे लगा हुआ है, ये तार किस पे लगा हुआ है, FA1/0 पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। तो इसको पहले अरेंज करें या जैसे करें आप लोगों को सही लगता है। जैसे कि मैंने इनको सही तरीके से अरेंज कर दिया ताकि मेरा नेटवर्क एक सही प्रॉपर वे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पीसी से। पीसी के यहाँ जैसे तुम पीसी पे क्लिक करते हो, यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे लिखते हो, एक चीज़ याद रखना, जो आईपी यहाँ लिखा हुआ है इस सेम आईपी आपको यहाँ लिखना है। मैंने कॉपी किया था, मैं इसको सिंपली पेस्ट करूंगा। जो ये आईपी है, ये वाला आईपी 1/1, इसका गेटवे है। अब गेटवे क्या होता है, गेटवे का मतलब है दरवाजा। अगर एक चीज को किसी चीज से गुजरना है या किसी चीज के अंदर घुसना है तो उसको एक दरवाजे से गुजरना पड़ता है। राउटर का गेटवे, राउटर का दरवाजा भी यही है जो तार इसके अंदर घुसा हुआ है। तो 1/1 है, तो क्या है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूँ क्योंकि ये क्लास सी आईपी है, इसीलिए अपने आप ये जनरेट हो गया। अगर इनके जनरेट ना भी हो तो आप लोगों को याद होनी चाहिए 255.255.2, ये आपको अरेंज। लेकिन यहाँ जो जीरो लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें। कट करने के बाद ये जो आईपी है 1/1, 2/1 खत्म करें, 1/1। अगर किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका गेट, इसका दरवाजा। मैंने मैंने कहा कि जो ये इंफॉर्मेशन भेजेगा इस दरवाजे के अंदर वो एंट्री लेगा। जब तक मैं दरवाजा नहीं बताऊंगा तब तक इसका इंफॉर्मेशन आगे नेटवर्क की तरफ पास ऑन नहीं होगा, सही है। इसको सिंपली यहाँ पर कट कर दें। सेम अगले पीसी के साथ भी यही सेम सेम प्रोसीजर अप्लाई करें। यहाँ मैंने बताया 3.2 है ना, इसका मैंने क्या, जो मैंने आईपी रही देखी है 3.2, इसी सॉरी 3.2, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया। यहाँ इसका गेट डिफॉल्ट वे क्या है, इसका ये वाला है, ये वाला है 3/1 है गेट डिफॉल्ट वे। किसी को समझ ना आए थोड़ा सा वीडियो दोबारा बैक करके दोबारा आ जाए तो अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ये पोर्शन हमने कवर कर दिया, यहाँ तक हमने कवर कर दिया है। अब मैं यूं चलूँगा,
आपकी मर्जी, आप जून चलें, आपकी मर्जी है। मैं आपने हमेशा जब से मैंने प्रैक्टिस किया है मैं जून चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने आईपी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पोर्ट को पता नहीं ये कौन सी आईपी है। यहाँ दो तरीके होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन आप अक्सर इंटरनेट पे देखते हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन में शायद शो हो रहा होता है, आप लोग इसीलिए कंफ्यूज हो। कॉन्फ़िगरेशन में वही सेम चीज़ होता है, अगर आप लोगों को याद हो। मैं एक 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 को मैं कॉन्फ़िगरेशन पे करूंगा और एक एक को मैं सीएलआई मोड पे करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि दोनों का मतलब और डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखो, अगर आपको स्टैटिक करना है या डायनेमिक करना है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये दोनों के लिए सेम होता है। आप जैसे सीएलआई मोड पे आएंगे ना, यहाँ पर नो लिखेंगे आप लोग, इंटर मारें, एंटर के बाद वैसे यहाँ इस पोर्शन पे अगर आप आएंगे ना तो नो लिखेंगे, पहले से लिखा हुआ था। खैर, यहाँ पर नो के बाद एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद दोबारा एंटर करेंगे ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लेके लिखना है अनेबल ईएन, अनेबल लिखने के बाद CONFIGT, कॉन्फेक्ट कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एंटर मैंने किया, एंटर मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब आ चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब मुझे, मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को एड्रेसेस पता होने चाहिए, प्रेफरेंस ऑप्शन में जाएं और वहां पर उसको शो कर दें। एंट एंट लिखने के बाद FA, हरगिज का मतलब नहीं है कि वहां पर शॉर्ट कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आप उसको कैपिटल लेटर में लिखें। 0/0, देखो इसका ये एड्रेस है, ये एड्रेस आपको जब तक याद नहीं होगा। ये पोर्ट क्या मतलब है, एक स्विच है, 10 स्विच हैं, आपको 10 स्विच में हर किसी का पता होना चाहिए ना, एक पंखे का है, किस चीज़ का है। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस है, ये इस ये जो तार लगा हुआ है इसका, ये स्विच का ना एड्रेस है या नाम है या जो भी है आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर आप मतलब इसी स्विच में एंटर हो चुके हो। अब आप उसमें लिखेंगे आईपी एड, क्या लिखेंगे, आईपी एड लिखेंगे। अब आईपी एड में क्या लिखेंगे, आप ये वाला आईपी लिखेंगे 192.168.1.1। देखिए मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि ये एक सॉरी वन वन अपॉन, ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आप लोगों को डिफॉल्ट गेटवे मालूम होने चाहिए। ये क्लास सी का आईपी है तो लिहाजा इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 255.255.255.0, ये हो गया। आप इसको यहाँ पर एंटर कर दें, एंटर करने के बाद ये आईपी इस ये जो जो ये जो सी क्या कहते हैं स्विच है, ये जो इसका क्या कहते हैं पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर मैंने आईपी ऐड कर दी, लेकिन ये अभी तक आईपी ऑन नहीं है। ऑन करने के लिए क्या, नो शट एग्जैक्ट, देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आ गया, पहले रेड था अब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसकी तरह भी वापस आपको ये एंट वगैरह ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करने हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, आप दोबारा सिर्फ एंट लिखेंगे। एंट लिखने के बाद ये वाला एड्रेस डाल देंगे FA1/0, आपने ये लिख लिया ना, लिखने के बाद सिंपल आप उसको एंटर कर दें, आईपी एड लिख लें। और अब कौन सा आईपी आप लोगों के लिए लिखना है, ये वाला लिखना है। पूरा आईपी मैंने यहाँ नहीं लिखा, शार्ट में लिखा है, मैं यहाँ पूरा लिखा 192.168.2.1। अब आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको डिफॉल्ट गेटवे मालूम होनी चाहिए, जब तक आपको डिफॉल्ट गेटवे मालूम नहीं होंगे तब तक आप कोई भी आईपी ऐड नहीं कर सकते हो किसी भी पोर्ट में। डिफॉल्ट गेटवे टाइप सी का, जैसे कि मैंने यहाँ दोबारा ज़रा मैं खैर मैंने गूगल बंद कर दी है अपनी, तो इसका 255.255.255.0 है। सिंपली आप इसको एंटर कर दें, एंटर करने के बाद ये आईपी इस पोर्ट के अंदर ऐड हो चुकी है, इसका मतलब अब एड्रेस अब इसका ऑफिशियली इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये पोर्ट पोर्ट का एक नाम है समझो, इस 1/1/0 के अंदर ये आईपी स्टोर है, ये आईपी आप सिर्फ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क में आप कहीं पर भी ये आईपी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप डबल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में एरर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं अभी तक मैंने सिर्फ आईपी दे दी है, लेकिन अभी मैंने इसको अभी तक ऑन नहीं किया। ऑन करने के लिए क्या, नो शट, नो शट लिखा और एग्जिट लिखा। अब इस राउटर का यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, मैं यहाँ सिंपल खत्म कर दूँ।
एक काम और भी करना है, उसको हम स्टेटिक राउटिंग बोलते हैं या कॉन्फ़िगर। लेकिन पूरा एक मरतबा कॉन्फ़िगर करके आ जाओ दोबारा, एक दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस कंप्लीट करो, दूसरा प्रोसेस बाद में करना। मैं इस पर आता हूँ, जो आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो रहे हैं, आपके जो क्या कहते हैं इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, वो किसके मिल रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे आता है, ठीक है। ये देखें पोर्ट, ये पोर्ट का नाम ये रहा, ठीक है, पोर्ट का नाम ये रहा। वो देख रहे हैं अपना आईपी बता दो, 192.168 डॉट क्या है, 2.2। यहाँ पर सबनेट मास्क अपने आप आ गया। देखिए देखिए यहाँ पर सेम वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने वहां पर लिख लिया। वहां मैंने आईपी ऐड लिखा, इसमें आईपी एड्रेस पूरा लिखा है। जैसे ही मैंने किया ना, अब इसको यहाँ पर सिंपल ऑन कर दो, नो शट अपने आप आ गया। ये देखें ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज और याद रखें, आपको एग्जाम के दौरान ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सीएलआई मोड मिलेगा। क्या मिलेगा? सीएलआई मोड मिलेगा। सीएलआई मोड क्या होती है, जो कि मैं यहाँ आप लोगों को बता चुका हूँ। सीएलआई मोड ये होती है, ये देखो नो शट डाउन लिखा हुआ है, हमने शॉर्ट टर्म में नो शट लिखा, ठीक है। सेम वही चीज कर दो यहाँ यहाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये देखें, अगर किसी को समझ ना आया तो एंटर मारना। यहाँ पहले से प्रोटोकॉल सेव है, हाँ 1/0, क्या है 1/0, इसका एड्रेस है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसने पूरा लिखा है, मसला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ, FA/1, सॉरी 1/0, ये एड्रेस है इसका, नजर आ रहा है, ये एड्रेस है। लेकिन वही सेम चीज आ गया। अब यहाँ से आ जाओ सीएलआई मोड में। सीएलआई मोड में क्या, इसका जो आईपी मैंने दिया था, IP 3/1 है, सिंपल आके इसको यहाँ पर 3/1 चेंज कर दें और यहाँ पर एंटर मार दें, नो शट एग्जिट। देखिए एग्जिट करना, ठीक है, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब ये ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद है सबको। देखो अब सेलाय मोड में तो वही चीज सेम होंगे, लेकिन वहां पर आपको कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको कमांड याद करनी पड़ेंगे, जो कि मुझे याद है। एक मैंने इस तरफ वाला मैंने सीएलआई मोड से किया, इस तरफ मैंने सॉरी इस तरफ मैंने 3.1 वाला सीएलआई मोड से किया, इसको मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन से किया, दोनों सेम चीज है, नो चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चाहे आप डायनेमिक कर रहे हैं या तो स्टैटिक कर रहे हैं, दोनों का सेम होता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और अगला हम स्टैटिक करेंगे। मैं इस फाइल को दो तरीकों से सेव करूँगा, आप भी सेम इसी तरह कर लें। मैं एक पर लिखूँगा, एक मिनट, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा ताकि आप लोगों को करने, मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, स्टैटिक 01 करूँगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। एक मैं करूँगा स्टैटिक 0.1, ठीक है। एक मैं फिर इसको सेव नहीं करूंगा, अब मैं इसको सेव एज करूंगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, डायनेमिक करूंगा, डायनेमिक 02 करूंगा उसको, मैं 02 करूंगा। यहां तक समझ में आ गया है, उम्मीद है। मैं फाइल को फिलहाल बंद कर रहा हूं क्योंकि मैंने अलग अलग की हुई है, तो मैं दोनों को अलग अलग करूंगा क्योंकि दोनों की अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये आप जब भी कोई नेटवर्क बना रहे हो, कोई भी नेटवर्क बना रहे हो, ये हमेशा सेम होता है, चाहे स्टैटिक का हो चाहे डायनेमिक का हो। मैं आगे चलता हूँ, स्टैटिक को स्टार्ट करूंगा फिर डायनेमिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है।